ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए यानी कि कक्षा नाइन्थ के लिए विषय गणित और उसके अंदर भी हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के क्या पढ़ रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली थी? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर यानी कि आपका अध्याय नंबर 10 व्रत, ठीक है। और इसके अंदर भी हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि व्रत का केंद्र किसे कहते हैं यानी कि हमने सेंटर के बारे में पढ़ा था, वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमने जीवा के बारे में पढ़ा था, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस के बारे में पढ़ा था, वृत्त की जीवा यानी कि हमने किसके कोण के बारे में पढ़ा था, और व्यास यानी कि हमने डायमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में आप आंसर करना पोल के अंदर, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना। कुछ समय के लिए चैट सेक्शन रोका गया है और आप पोल के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर बताई गई है, आपसे वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस के बारे में पूछा गया है। तो लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, तो जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में पोल के अंदर आप इसका आंसर करना। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो क्या करेंगे, वो भी अपना क्वेश्चन सोल्व करके अपना ऑप्शन बना के रख लीजिए नोटबुक के ऊपर, तब आपको चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तब आप उसके अंदर ऑप्शन टाइप कर देना अपना। और आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास में 20 ही सेकंड है। अब आपके पास में 15 सेकंड है। देखिए आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये हम जानते हैं कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो किसी न किसी तरीके से त्रिज्या के साथ में संबंध रखती है। अगर उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बताइए त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और क्वेश्चन का जवाब कीजिए, वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और स्क्रीन पर दिखाए गए क्वेश्चन का ऑप्शन टाइप कीजिए, वोट कीजिए। ठीक है, तो जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन किए वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए जिन बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है तो अगर उनके पास में पोल का ऑप्शन आता है तो वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में पोल के अंदर वोट कर दीजिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, आप बच्चे जल्दी से जाना चैट सेक्शन में, सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करना ए बी सी या डी, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन जो भी टाइप किया है या फिर जो भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है वो अपना ऑप्शन भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर आपको क्या चीज पूछी गई थी और क्या चीज दी गई है। और राजेश कुमार के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन किए वो ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा आप बताओ वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या उसको हम व्यास कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या उसको हम व्यास कहते हैं? जल्दी से टाइप कीजिए। यस यस सर, ठीक है, यानी कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि जो हमारा व्यास होता है वो क्या होता है, यानी कि आप जानते हो व्यास को हम डायमीटर यानी कि डी से लिखते हैं
और जो डी होता है वो कितना होता है, 2 गुणा R होता है, यानी कि वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि जो भी त्रिज्या होती है उसका 2 गुना कौन होता है हमारे पास, है व्यास होता है। अगर हम एक सर्कल बना के देखें, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है और ये इसका केंद्र है, तो जीवा क्या चीज होती है, सबसे पहले हम आपको जीवा बता देते हैं। तो जीवा ये होती है कि सर्कल के ऊपर कोई भी दो बिंदु ले लो, यानी कि वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु ले लो, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से जो वृत्त जो रेखाखंड बनता है ये आपकी वृत्त की जीवा कहलाती है, यानी कि कोण कहलाती है। मान लेते हैं बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, जब आपने बिंदु ए और बी को जोड़ दिया तो ये जो रेखाखंड बन के तैयार हुआ है ए बी, आप इसको क्या बोलते हो, ये वृत्त की जीवा यानी कि कोण कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त की क्या कोण जो होती है हमारे पास में, जो व्यास होता है, अगर आप देखोगे ये भी क्या है, एक वृत्त की जीवा है, और जो व्यास होता है वो वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर हम देखें ये सी डी है और ये वृत्त का केंद्र ओ था, तो आप कहोगे सर जो सी डी है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और ये इसका व्यास भी है, और ये कितना होता है, ओ और सी से लेकर, यानी कि केंद्र, अगर आप देखोगे ओ और सी को, आप कहोगे सर केंद्र से लेकर के सर्कल के ऊपर यानी कि वृत्त के ऊपर किसी भी बिंदु की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं आर से, ये भी आर है और ये भी आर है, तो आप कह दोगे सर जो डायमीटर जो व्यास होता है वो 2 होता है, यानी कि 2 गुणा, यानी कि 2 गुना होता है त्रिज्या का। अब हमें व्यास की तो लंबाई दे दी है 8 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है बताइए त्रिज्या कितनी होगी, तो आपने मान लिया कि त्रिज्या कितनी होगी आर मान लिया, तो आप देखते हो इधर ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि जो त्रिज्या की वैल्यू हो गई, यानी कि जो मान हो गया कितना आ गया वो 4, यानी कि व्यास का आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो आपने 8 का आधा कर दिया कितना हो गया वो 4। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अगर सभी को समझ में आ गया जल्दी से आप जल्दी से वाई टाइप करें, और जिन बच्चों ने राजेश कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो भी बताओ कि उनको समझ में आ गया है कि नहीं आया है, अगर समझ में आ गया सभी बच्चे तो वाई टाइप करें राजेश। ठीक है आपको भी समझ में आ गया, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आज हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीजें इसकी जो बेसिक चीजें थी सारी पढ़ ली थी, हमने इसके केंद्र के बारे में पढ़ा था, हमने त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, हमने जीवा के बारे में पढ़ा था और हमने व्यास के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त का अभ्यंतर भाग और वृत्त का बहिर्भाग। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखिए कि वृत्त जिस तल पर स्थित है, यानी कि जहां पर भी आप वृत्त को बनाते हो उसे 3 भागों में विभाजित करता है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, और स्क्रीन पर आपने अगर एक वृत्त बनाया तो ये जो वृत्त है आप देख पा रहे हो इस तल को, जिसके जिस भी पेपर के ऊपर ये बनाया गया है इसको 3 भागों में विभाजित करता है। एक जो भाग है वो कहलाता है, कौन कौन से भाग है देखो, एक भाग हम इसको लिख देते हैं कि ये भाग एक है जिसको हम बोलते हैं वृत्त का अभ्यंतर, यानी कि ये रहा वृत्त का अभ्यंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग। दूसरा वृत्त का बहिर्भाग, यानी कि जो वृत्त के बाहर का भाग होता है, ठीक है ये वृत्त के बाहर का भाग हो गया, और एक होता है वृत्त, यानी कि जब भी आप कोई वृत्त बनाते हो वो किसी भी तल पर जिस पे स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित कर देता है, एक तो वृत्त का अंदर का भाग यानी कि वृत्त का अभ्यंतर, एक होता है वृत्त के बाहर का भाग और एक होता है खुद वृत्त। एक क्या होता है हमारे पास में, खुद वृत्त होता है, यानी कि एक ये वाला भाग कि कोई भी बिंदु इस पर होगा तो वृत्त पर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो वृत्त होता है वो जब किसी तल पर बनाया जाता है या किसी भी पेपर पे आप बनाओ किसी पर बनाओ, तो उसको वो 3 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से होते हैं 3 भाग, एक होता है वृत्त का अभ्यंतर भाग, एक होता है वृत्त का बहिर्भाग और एक होता है वृत्त खुद। ठीक है, ठीक है, तो जो वृत्त का अभ्यंतर होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं, यानी कि जो वृत्त के अंदर का भाग होता है उसको वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं, जैसे कि ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है और इसके जो अंदर का भाग है ये जितना भी इसके अंदर का भाग है ये क्या कहलाता है, ये वृत्त का अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे जो वृत्त का बहिर्भाग होता है, यानी कि वृत्त के बाहर के भाग को, वृत्त के बाहर के भाग को वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं, जैसे कि ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है और इसके बाहर का भाग यानी कि इस वृत्त को छोड़कर इसके बाहर का जो भी भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो वृत्त का बहिर्भाग कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा वृत्त का बहिर्भाग। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वृत्त है और ये इसके आसपास का जो बाहर का भाग है वो क्या कहलाएगा, वृत्त का बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है, एक तो होता है वृत्त का अभ्यंतर जो हमने देखा था कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त के अंदर का भाग क्या कहलाता है, वृत्त का अभ्यंतर कहलाता है, दूसरा
कि वृत्त का बहिर्भाग हमने पढ़ा था, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा है आपको वृत्त का बहिर्भाग दिखाई दे रहा है। एक वृत्त खुद होता है, एक वृत्त क्या होता है, खुद होता है, यानी कि ये जो आपके पास में ये चीज है, एक ये वृत्त का खुद का भाग है, ठीक है, जो इसकी परिधि आपको दिखाई दे रही है। यानी कि अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर होगा तो वो क्या कहलाएगा, कि वो कहाँ पर स्थित है, वो वृत्त के ऊपर स्थित है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, यानी कि एक वृत्त बनाया, और हमने पूछा आपसे बताइए कि जो बिंदु पी है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे जो बिंदु पी है बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर ये बिंदु पी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है तो एक बताना, अगर वृत्त के ऊपर स्थित है तो दो बताना, और अगर वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है तो तीन बताना, ठीक है। सभी बच्चे बताइए कि जो बिंदु पी है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, ये वृत्त के बाहर स्थित है, यानी कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, ठीक है। अगर हम एक और वृत्त बना दें, इधर देखिए, अगर हम एक और वृत्त बना दें और इस बिंदु को यहां पर बना दें, तो अब आप बताना, सभी बच्चे बताना, बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। तो अगर आप ये पूछा जाए कि बताइए बिंदु पी कहां पर स्थित है, तो अब आप बताइए कि ये वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, या वृत्त पर स्थित है, या वृत्त के बहिर्भाग पर स्थित है। लोकेश और ललित, हम अभी आपसे पूछते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, अभी आप रुकिए जरा, ठीक है। बच्चे प्लीज माइक मत ओपन करो, ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है, सभी बच्चे सामने देखिए सिर्फ, हाँ ठीक है सभी बच्चों को, ठीक है। बट एक बच्चा बोल रहा है अभ्यंतर, देखो अभ्यंतर नहीं, संदीप कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए, प्लीज या तो माइक बंद कर लो, वह क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाले फिगर के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो बिंदु पी है ये वृत्त के ऊपर स्थित है, तो आप कहोगे कि वृत्त पर स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हम देखो इनको, बच्चों को क्लास से बाहर ही निकालते हैं, जो बच्चे माइक ओपन कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो बाद में ही हो जाएंगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, तो आप जाइए इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी से, क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आप पोल के अंदर वोट करना कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाया गया बिंदु पी कहाँ पर स्थित है, तो सभी बच्चे जाएं जल्दी से। ठीक है, और जो बच्चे जो भी ऑप्शन वोट कर रहा है, वो अपना ऑप्शन भी याद रखे कि उसने क्या वोट किया है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो क्या करे, वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करके अपना ऑप्शन कॉपी के ऊपर लिख ले, जब उनको चैट सेक्शन खोला जाएगा तो वो अपना ऑप्शन टाइप कर देना, ए बी सी या डी, ठीक है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास में 5 सेकेंड हो रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन पोल के अंदर वोट कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपना ऑप्शन टाइप करना, सिर्फ ए बी सी या डी। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे कि देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए सभी का ठीक आंसर है, बस एक दो बच्चों ने पोल के अंदर गलत कर दिया है, शायद हो सकता है गलती से हाथ लग गया हो। देखो आपसे पूछा गया, चित्र में दिखाया गया बिंदु पी कहाँ पर स्थित है, देखो चित्र के अंदर ये बिंदु पी दिखाया गया है, पूछा गया कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो वृत्त होता है वो किसी भी तल को 3 भागों में, किसी भी तल को 3 भागों में विभाजित करता है। एक तल तो ये हो गया, यानी कि एक भाग तो ये हो गया, इस भाग को बोलते हैं वृत्त का बहिर्भाग। एक दूसरा भाग ये हो गया, इस वाले भाग को बोलते हैं वृत्त का अभ्यंतर। और एक बिंदु, यानी कि जो वृत्त खुद होता है, और इसको कोई भी बिंदु पूछा जाता है तो इसको बोला जाता है कि बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो अब आप बताइए कि ये बिंदु अगर आप देख पा रहे हो तो ये कहाँ पर स्थित है, ना तो ये बहिर्भाग में और ना ही ये अभ्यंतर में, तो
ये कहाँ पर स्थित है? ये बिंदु पी वृत्त के ऊपर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वृत्त के ऊपर। तो आप कहोगे कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कि ये बिंदु कहाँ पर है, ये बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब आप जल्दी से जाइए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। कुछ समय के लिए सिर्फ आपका चैट सेक्शन रोका गया है, जल्दी से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? देखिए आपसे पूछा गया है वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर वोट करना। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 15 सेकंड काफी है अभी आपके पास में, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, और पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कर रहा है वो याद भी रखेगा कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, ठीक है। चलिए अब आपके पास में 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आपका पोल बंद किया जाता है, और जल्दी से जाइए बच्चे चैट सेक्शन में, बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। विक्रम यादव के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है वो अपने माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो अगर आप ऐसे ही करोगे तो आधा टाइम तो ये निकल जाता है कि माइक बंद कीजिए प्लीज, ठीक है, तो आप ऐसा मत करो। तो सभी बच्चे आप सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो आपसे पूछा गया है वृत्त का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। अगर आपने देखा है, अगर हम एक वृत्त बनाते हैं तो ये एक वृत्त है, तो इसका केंद्र कहाँ पर है? तो इसका केंद्र तो इसके अंदर ही होता है, क्योंकि वृत्त एक ऐसा पाथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से क्या होती है, सभी की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे जो वृत्त का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर, यानी कि वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपसे देखा गया है कि वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर एंड द माइनर आर्क, यानी कि दीर्घ एवं लघु चाप, दीर्घ एवं लघु चाप, ठीक है लोकेश। देखो आप एरिया के बारे में पूछ रहे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, देखो जो हमारे पास में सर्कल होता है ये ना, ये इसका केंद्र है और ये इसकी रेडियस है आर। अगर आप इसके एरिया के बारे में जानना चाहते हो तो देखो इसके अंदर दो ही चीज होती है, कि आप एक तो इसका सर्कमफ्रेंस पढ़ोगे और एक आप इसका एरिया पढ़ोगे। ये जो एरिया होता है इसके अंदर वाला पार्ट, यानी कि जो इसका क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। और जो इसकी परिधि होती है जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो, ठीक है, जो परिधि होती है जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर, ठीक है लोकेश। अब आप जल्दी से क्लास की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ललित, शायद आपका भी यही क्वेश्चन था और लोकेश का भी यही क्वेश्चन था कि एरिया क्या होता है, तो एरिया भी हम पढ़ेंगे वो पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि चाप क्या होता है, चाप, और फिर चाप कितने प्रकार के होते हैं, चाप 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ और एक लघु, ठीक है। देखिए दो बिंदुओं के बीच के, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को,
दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? एक चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी बच्चे देखिए और सामने हमें देखकर बताइए कि अगर मान लेते हैं ये एक वृत्त है और वृत्त के ऊपर हमने दो बिंदु ले लिए, वृत्त के ऊपर क्या ले लिया हमने? दो बिंदु, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दो बिंदु, तो वृत्त के ऊपर हमने दो बिंदु ले लिए, एक और एक दो, हमने इसको P बोल दिया और हमने इसको Q बोल दिया। तो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। तो बताओ जरा, क्या हम PQ को एक चाप कहते हैं? अगर PQ को एक चाप कहते हैं तो जल्दी से Y टाइप कीजिए, अगर PQ को चाप नहीं कहते तो N टाइप कीजिए। अगर हम PQ को चाप कहते हैं तो Y टाइप कीजिए, अगर PQ एक चाप है तो Y टाइप कीजिए, और अगर PQ एक चाप नहीं है तो N टाइप कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है वाई और एक दो बच्चों का आया है एन। ठीक है, यानी कि अब आप खुद एक बात बताइए, अगर वृत्त का चाप पी क्यू है तो वृत्त की जीवा कौन है, ये बताओ। अगर वृत्त का चाप पी क्यू है यानी कि आर्क पी क्यू है, तो वृत्त की जीवा कौन है? तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वृत्त के ऊपर अगर दो स्थित बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं तो जो हमारे पास में रेखाखंड बनकर तैयार होता है वो जीवा कहलाती है। संदीप आपको तो पढ़ना नहीं है शायद, आपको क्लास से बाहर ही जाना है। ठीक है, तो देखो हम अभी क्लास से बाहर नहीं निकाले, लेकिन फिर अगली बार ऐसी हरकत करोगे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखो जो ये जो पी क्यू है ये तो वृत्त की जीवा है, तो ये फिर वृत्त का जो चाप है वो क्या है? तो देखो आप अगर ये चीज देख पा रहे हो तो मान लीजिए ये सामने देखेंगे सभी बच्चे, अभी हम देखो एक हरे कलर से एक वृत्त बना रहे हैं और उसके ऊपर हमने दो बिंदु लिए ए और बी, हमने उसके ऊपर के लिए दो बिंदु लिए, ये ए बिंदु लिया और ये बिंदु बी लिया। देखो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, अब देखो वृत्त के दो भाग हुए इसके ऊपर, एक तो आपको देखो ये वाला वृत्त का भाग दिखाई दे रहा है कि एक भाग तो ये रहा जो हमने लाल कलर से बनाया अभी, ये वाला भाग ये वृत्त का भाग है और ये चाप कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर बिंदु एक्स और बिंदु वाई लिया है, तो जो वृत्त का भाग होगा इन दोनों के बीच में, ये वृत्त का भाग क्या कहलाएगा? ये चाप कहलाएगा। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया चाप क्या कहलाता है? यानी कि वृत्त का ही भाग होना चाहिए, वो कोई सीधी रेखा खंड नहीं होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वृत्त का भाग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में वृत्त का चाप जो होता है वो क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का वृत्त का भाग होता है। ठीक है, यानी कि आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास में दो बिंदु थे पी और क्यू, और ये दोनों बिंदुओं को जब जोड़ा जाता है तो जो हमारे पास में वृत्त का भाग बनता है ये वृत्त का चाप कहलाता है। यानी कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है लाल कलर का, ये क्या है? वृत्त का एक चाप है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आप खुद देखिए जो चाप होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, आप देख सकते हो कि जो चाप होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। मान लीजिए एक ये वृत्त है, अब आपने इस वृत्त के ऊपर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु तो ये ले लिया आपने, एक बिंदु तो ये ले लिया आपने एक्स और एक बिंदु ये ले लिया वाई। तो आप खुद देखो एक तो ये छोटा वृत्त का भाग दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें एक छोटा, और इसी तरीके से एक हमें यहाँ पर बड़ा भाग दिखाई देगा, वो ये रहा बड़ा भाग, ये रहा। ठीक है, तो एक ये बड़ा भाग है, यानी कि जो वृत्त का चाप होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। ठीक है, अब देखते हैं कि बड़े भाग को क्या कहते हैं और छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमारे पास में बड़ा भाग है और एक हमारे पास में छोटा भाग है, यानी कि जो दो बिंदु होते हैं वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। तो जो बड़ा भाग होता है तो बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ चाप, क्या कहते हैं उसको? दीर्घ चाप। जैसे आप बुक के अंदर पढ़ते भी हो कि एक हमारे बड़े क्वेश्चन होते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो जो बड़े क्वेश्चन उनको दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ प्रश्न के नाम से जानते हो, इसी तरीके से जो बड़ा होगा चाप उसको दीर्घ चाप बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास में छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लघु चाप बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उसको मेजर बोलेंगे और छोटे वाले को क्या बोलेंगे हम? माइनर बोलेंगे। ठीक है, इतना सभी की समझ में आ गया है? बताइए कि जो वृत्त के ऊपर दो बिंदु होते हैं तो उनके बीच का जो हिस्सा होता है वृत्त का वो वृत्त का चाप कहलाता है, और जो वृत्त का चाप होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। तो जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ चाप कहलाता है, और जो छोटा पार्ट होता है वो लघु चाप कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनको लिखने का क्या तरीका है। देखो हमने इतना तो सीख लिया कि जो वृत्त के ऊपर दो बिंदु होते हैं वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि दो भागों में बांटते हैं। बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि दीर्घ चाप, और छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लघु चाप। अब देखो दीर्घ चाप और लघु चाप लिखने का क्या तरीका होता है, क्योंकि आप देखते हो हर किसी चीज को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि आपने देखा था कि एक रेखा को लिखने का तरीका होता है, तो रेखा को लिखने का क्या तरीका होता है? मान लेते हैं ए बी एक रेखा है, तो आपने उसको लिखना सीखा था कि अगर ए बी एक रेखा है तो आप उसको ऐसे लिखोगे कि
कैसे लिखोगे? आप लिखोगे रेखा ए बी, उसके ऊपर ऐसे लगा दोगे। फिर आपने रेखाखंड को लिखना सीखा था कि मान लेते हैं अगर पी क्यू एक रेखाखंड है, तो आपने उसको लिखना सीखा था कि हम लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम रेखा और रेखाखंड को लिखते हैं, इसी तरीके से हम दीर्घचाप और लघुचाप को भी लिखते हैं। तो देखते हैं कि दीर्घचाप और लघुचाप को कैसे कैसे लिखते हैं। अगर आपको कोई दीर्घचाप का नाम लिखना है, अगर आपको कोई दीर्घचाप का नाम लिखना है, तो आप कैसे करोगे कि मान लेते हैं ये हमारे ऊपर पास में एक वृत्त है, और वृत्त के ऊपर क्या है, दो बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु पी है, पी नहीं लेते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु क्या है हमारे पास में, ये बिंदु हमारे पास में एक्स है और ये बिंदु हमारे पास में वाई है। तो देखो दो चाप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास में लघु चाप है, छोटा वाला चाप, और एक हमें इसके ऊपर बड़ा वाला चाप दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, जिसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं। देखो दोनों ही चाप ऐसे लिखे जाएंगे कि जो लघु चाप होगा और जो दीर्घ चाप होगा, अगर आप दीर्घ चाप को लिखोगे तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा एक्स वाई, और इसके ऊपर ऐसे लगे जाएगा, और अगर आप लघु चाप लिखोगे तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा, लघु भी ऐसे ही लिखा जाएगा एक्स वाई, और उसके ऊपर एक इस तरीके से आप क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे ऐसे। लेकिन पर फिर दीर्घ और लघु में अंतर क्या है, यानी कि ये तो दीर्घ और लघु जैसे हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दीर्घ वाले यानी कि बड़े वाले हिस्से पर कोई भी एक पॉइंट अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। आपने इसको मान लिया ए पॉइंट है, तो आप दीर्घ चाप को क्या लिख दोगे, दीर्घ चाप को आप लिखोगे एक्स ए वाई, और इसके ऊपर आप ऐसे लिख दोगे, यानी कि दीर्घ बन गया क्योंकि ये बड़ा हो गया। और लघु चाप को आप ऐसे लिखोगे कि लघु चाप को लिखने के लिए आपको उसके ऊपर कोई और बिंदु मानना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ इतना हमें समझ में आ गया है कि दीर्घ चाप को कैसे लिखते हैं और लघु चाप को कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए, यानी कि कोई लघु और दीर्घ ना हो, यानी कि ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि वृत्त की दोनों चाप दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हो जाए, तो प्रत्येक को अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वृत्त था, और वृत्त के केंद्र जहां पर था उसी के आपने सामने आपने एक ए बिंदु ले लिया और इसी के सामने आपने बी बिंदु ले लिया। तो अब आप देख रहे हो कि जो हमारे पास में ये जो चाप बना है वो कैसा चाप बन गया है, वो हमारे पास में एक ऐसा चाप बन गया है कि जो हमारे पास में दीर्घ चाप है ए बी और जो हमारे पास में लघु चाप है ए बी, वो दोनों बराबर हो गए हैं। तो इस वाले जब भी हमारे पास में ऐसा होता है कि दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हो जाते हैं, तो हमारे जो वृत्त बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त कैसे बनता है, यानी कि जब लघु चाप और दीर्घ चाप बराबर हो जाता है तो हमारा एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त सेमी सर्कल बन जाता है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दें, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो जल्दी से पूछ लेना। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन में वोट करना। ठीक है, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है, अब आप जल्दी से जाइए और पोल सेक्शन में जल्दी से वोट करना क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया नीचे चित्र में एल एम क्या है, नीचे चित्र में एल एम क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि नीचे आपको एक वृत्त दिखाया गया है, उसके ऊपर दो बिंदु एल और एम दिखाए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जो नीचे एल एम दिखाया गया है वो क्या है, कि दीर्घ चाप है यानी कि मेजर आर्क है, या फिर लघु चाप यानी कि माइनर आर्क है। तो बी सुमित यादव आपको तो देखो क्लास से बाहर निकालना ही पड़ेगा, कितनी बार कहा है कि क्लास के अंदर ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, विक्रम अभी चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तो आप बताना कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, आप टाइप करके भेजना। ठीक है, तो अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, तो चैट सेक्शन में सिर्फ आपको अपना ऑप्शन टाइप करना है ए बी सी या डी। ठीक है, सिर्फ आपको अपना ऑप्शन टाइप करना है ए या फिर बी। ठीक है,
ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको कहा क्या चीज पूछा गया कि नीचे चित्र में एलएम क्या है, यानी कि आपसे एलएम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये चित्र पर आपको एलएम दिखाया गया ये चीज क्या है। तो आप देख रहे हो कि नीचे आपको एक वृत्त दिखाया गया है, वो वृत्त के ऊपर दो बिंदु है, एक बिंदु एल और एक बिंदु एम। और आपने अभी पढ़ा था कि वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आपका चाप कहलाता है, यानी कि एलएम एक चाप है। और हमें दिखाई दे रही है कि एलएम कैसी चाप है, एक बहुत छोटी चाप है। तो आप कहोगे कि जो छोटी चाप होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लघु चाप। यानी कि इसका ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये क्या है, लघु चाप है। तो जल्दी से जाइए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में दीर्घचाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। देखो आपसे पूछा गया दीर्घचाप कैसे लिखा जाएगा, यानी कि बड़ा चाप कैसे लिखा जाएगा। और बड़ा चाप अगर आपको लिखना है तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन का ऑप्शन वोट करना, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जल्दी से वोट करना कि दिए गए चित्र में दीर्घचाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है, आप जल्दी से अपना ऑप्शन वोट करना, ए बी सी या डी। ठीक है संदीप, आपको भी क्लास से बाहर निकाला जाता है, और प्लीज देखो ऐसी हरकतें मत किया करो, जानबूझकर के सारी चीजें मत किया करो, बड़े बच्चे हो गए हो तो आप। ठीक है, अब आपको पोल सेक्शन बंद किया जाता है, तो जल्दी से जाइए, चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, आपको सिर्फ अपना ऑप्शन भेजना है ए बी सी या डी। ठीक है, ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। वैसे सभी का सही आंसर आ गया है। देखिए आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि आपको एक चाप का नाम लिखना है, और वो चाप कैसी है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में दीर्घ चाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको बताया गया था कि चाप को किस तरीके से लिखना है। देखो जब भी आप चाप लिखोगे तो आप चाप का नाम चाहे दीर्घ चाप लिखोगे और चाहे आप लघु चाप, जैसे आपने लघु चाप लिखा तो उसके ऊपर आप इस तरीके से निशान लगा दोगे आर्क का, और अगर आपने दीर्घ चाप लिखा पी आर एस तो आप उसके ऊपर क्या कर दोगे, इस तरीके से निशान लगा दोगे, और वो पूरा ही नाम लिखा जाता है, कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो आपने क्या किया, इसका ऑप्शन बी क्या है, इसका सही आंसर है कि पी आर एस, दीर्घचाप पी आर एस इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, मेजर एंड माइनर, यानी कि मेजर तो बोलते हैं हम दीर्घ को, ठीक है, और माइनर हम बोलते हैं लघु को। और हम पढ़ेंगे सेगमेंट, यानी कि हम वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, मेजर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब ये वृत्तखंड क्या होता है, ये वृत्तखंड कैसे बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य, यानी कि एक तो जीवा की बात हो रही है और एक चाप की बात हो रही है। तो जीवा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, चाप हमने आज पढ़ लिया है। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक वृत्त बनाया, आपने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये आपने एक वृत्त बनाया, और वृत्तखंड के अंदर आप ये बताइए कि जीवा तथा प्रत्येक चाप, तो एक तो हमने इसके अंदर जीवा बना दिए, एक तो इसके अंदर क्या बना दिया हमने, जीवा बना दिए कि ये रही इसकी जीवा। ठीक है, तो आप हमें बताइए एक बार बताना कि ये जीवा पी क्यू है और ये इसका केंद्र ओ है।
तो इस पर लिखा है जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को, यानी कि चाप कौन कौन सी होंगी इसके अंदर। आप देख सकते हो कि एक तो इसके अंदर लघु चाप है और एक दीर्घ चाप है। मान लेते हैं कि ये पी क्यू जो है, ये वाली वाले पास में, ये छोटी वाली जो चाप है, ये पी क्यू क्या है हमारे पास में, लघु चाप है। तो ये तो हो गया एक चाप, ठीक है, और ये हो गई जीवा। तो चाप और जीवा के बीच के यानी कि क्षेत्र को, यानी कि ये तो ये हो गया इसका क्षेत्र, यानी कि ये तो हो गई जीवा और ये हो गई लघु चाप पी क्यू, और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले क्षेत्र को देखें तो वो भी तो हमारे पास में क्या होगा, वृत्तखंड होगा, कि ये रही हमारे पास में जीवा पी क्यू और ये रहा हमारे पास में दीर्घ चाप। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु आर ले लेते हैं, दीर्घ चाप पी आर क्यू। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा ये भी क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि वृत्तखंड क्या होता है, कि चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, आपका वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये हमारे पास में वृत्तखंड है और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे पास में एक वृत्त है, वो वृत्त के अंदर आपने एक जीवा बना ली, कि वृत्त था और वृत्त के अंदर क्या बना लिया आपने, एक जीवा बना ली पी क्यू। ठीक है, आपने एक वृत्त के अंदर क्या बना ली, जीवा पी क्यू बना ली। तो आप देख पा रहे हो कि इस जीवा के और इस जो हमारे पास में चाप है, यानी कि जो लघु चाप पी क्यू है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, और वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था चाप दो प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से वृत्तखंड भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि जिसे हमको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और एक हमारे पास में होता है लघु वृत्तखंड, जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो हमारे दीर्घ चाप और जीवा के बीच में होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा, और जो हमारे लघु चाप और जीवा के बीच में होगा वो हमारा लघु वृत्तखंड होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें वृत्तखंड समझ में आ गया है, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है कि हमारे पास में वृत्तखंड क्या होता है, यानी कि एक जीवा और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। अब वृत्तखंड दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे दीर्घ चाप और जीवा के बीच का होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, और जो हमारे लघु चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र होगा वो हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में वोट करना। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि जब उनको ऑप्शन टाइप करने का मौका मिले तो वो चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप कर सके। पूछा गया दिए गए चित्र, मतलब नीचे एक वृत्त दिखाया गया है, कि दिए गए वृत्त की जीवा और उसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड कौन सा है, यानी कि इसमें आपको जीवा पहचाननी है और उसके द्वारा बनाया गया एक वृत्तखंड पहचानना है। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर एक वृत्त दिखाया गया है, उसके अंदर कुछ रेखाखंड दिखाए गए हैं, तो पूछा गया है इनमें से कौन सी तो जीवा है और उसके द्वारा, क्योंकि जीवा और चाप के बीच में क्या होता है, कि जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड बोलते हैं, तो पूछा गया उस जीवा के साथ में कौन सा वृत्तखंड बन रहा है। और आप जो भी ऑप्शन वोट करोगे तो आप अपना ऑप्शन भी याद रखना कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था, ठीक है, ताकि जब आपको समझाया जाए तो आप समझ सको कि आपने कोई गलत तो नहीं किया था। ठीक है, आपके पास में 5 सेकंड हो रहे हैं, 5 4 3 2 1।
अभी आपका पोल तो एंड कर दिया गया, जल्दी से जाइए आप चैट सेक्शन में, सिर्फ अपना ऑप्शन लिखना ए बी सी या डी, सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करना ए बी सी या डी। ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कृष्णा आपको तो क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, वजह आपको बता दे रहे हैं कि आपको कितनी बार कहा गया कि टाइप आप एक ही बार करोगे, बट आपकी आदत नहीं सुधरी अभी तक। देखिए सामने, देखो आपसे पूछा गया है दिए गए, यानी कि नीचे आपको एक वृत्त दिया गया है और उसमें पूछा गया है जीवा और उसके द्वारा वृत्तखंड कौन सा है। ठीक है, तो अब आप नीचे देखिए, सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं और डी को देखते हैं कि सी और डी के अंदर क्या देखते हैं। अच्छा एडी बताओ, क्या एडी चाप, यानी कि जो एडी है, क्या एडी हमारे पास में वो जीवा है? आप कहोगे एडी तो जीवा नहीं है, यानी कि एडी तो जीवा ही नहीं है, तो पहला सी ऑप्शन तो इसलिए हट गया। लेकिन पर क्या बीसी हमारे पास में जीवा है? आप कहोगे बीसी भी जीवा नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास में हट गया है। हाँ अब हमारे पास में क्या ए बी जीवा है? जल्दी से टाइप करके बताइए, क्या ए बी एक जीवा है? जल्दी से बताइए क्या ए बी एक जीवा है? ठीक है कि ए बी एक जीवा है, ठीक है, क्योंकि व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ए बी क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो ए बी एक व्यास है और व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ए बी तो एक जीवा है। ठीक है ये रही, लेकिन पर ए बी के साथ में जो लिखा हुआ है हमारे पास में ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, अगर आप ए बी एफ ई को देखोगे तो आप देख रहे होगे ए बी एफ ई, ये पूरा का पूरा वृत्त नहीं लिया गया। देखो ए बी एफ ई, ये पूरा का पूरा वृत्त नहीं लिया गया, ए बी एफ ई के साथ में, यानी कि ए बी के साथ में जो बनेगा हमारे पास में वृत्तखंड, वो पूरा का पूरा होना चाहिए था। आप कहोगे सर ए बी के साथ में जो वृत्तखंड बनेगा, या तो वो नीचे का पूरा पार्ट होना चाहिए था चाप के साथ में, या फिर ऊपर का, लेकिन पर जो इन्होंने एरिया की बात कर दी है, जो क्षेत्र की बात कर दी है, वो ए बी एफ ई की बात कर दी है, यानी कि वो सिर्फ यहां तक बात की, उन्होंने नीचे का पार्ट तो छोड़ दिया है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। अब क्या हमारे पास में ई एफ, अगर आप देख पा रहे हो तो बताइए क्या ई एफ एक जीवा है? जल्दी से बताइए कि क्या ई एफ एक जीवा है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या ई एफ एक जीवा है? ठीक है कि ई एफ एक जीवा है, क्योंकि ये दोनों बिंदु जो सर्कल के ऊपर है, जो वृत्त के ऊपर दो बिंदु है, इनको जोड़ दिया गया है एक सीधी वृत्त, एक सीधी रेखाखंड से। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक जीवा बन गई। और उसके बाद में जो हमारा क्षेत्र लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है? ई एच एफ जी, आपने देखा ई एच एफ और जी, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र ले लिया गया है। आप कहोगे एक जीवा और एक चाप के बीच का पूरा क्षेत्र ले लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर है? अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन बी क्या हमारा सही है, और वो सही किस वजह से? क्योंकि हमारी ई एफ एक जीवा है और वो सर्कल, यानी कि वो वृत्त के साथ में पूरा का पूरा क्या बना रही है, एक वृत्तखंड बना रही है, कि हमने पूरा का पूरा चाप लिया है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, देखिए अब क्या पढ़ेंगे आप, मेजर एंड माइनर सेक्टर, यानी कि आप पढ़ोगे दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड। अभी तक देखिए हमने पढ़ा था क्या चीज पढ़ी थी, कि अभी तक हमने पढ़ा था मेजर और माइनर, हमने पढ़ा था किसके बारे में, सेगमेंट के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा था सेगमेंट के बारे में, जिसको हमने बोला था वृत्तखंड, हमने पढ़ा था वृत्तखंड के बारे में। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड के बारे में। और देखो इसके अंदर नाम ही लिखा हुआ है त्रिज्याखंड के अंदर कि त्रिज्या आ गई है, तो शायद ये किसके साथ बनता होगा, ये वृत्त की त्रिज्या के साथ ही बनता होगा। ठीक है, क्योंकि नाम में ही क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखा हुआ है। तो देखो केंद्र को एक चाप के, यानी कि केंद्र को एक चाप के स्रोत से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब देखो ये तो इसकी परिभाषा है, और परिभाषा तो बहुत मुश्किल लग रही है पढ़ने में, कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर कहते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इसको आकृति से कैसे देखेंगे। देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या एक वृत्त है, वो वृत्त के अंदर हमने देखा
कि ये एक इसकी त्रिज्या है और ये इसकी दूसरी त्रिज्या है, यानी कि दोनों ही त्रिज्याओं के बीच में आपने देखा कि जो भी हमारे पास में एक चाप है, इस चाप को हमने क्या कर दिया, दोनों त्रिज्याओं से जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, त्रिज्याखंड यानी कि एक सेक्टर बन गया है। आप देखोगे कि हमारे पास में एक वृत्त है और ये रहा हमारा वृत्त का केंद्र। आपने कोई भी दो बिंदु लिए, आपने वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु लिए, मान लेते हैं बिंदु एक्स लिया और ये बिंदु वाई लिया। अब आपने एक्स को भी ओ के साथ में जोड़ दिया और आपने वाई को भी ओ के साथ में जाने के केंद्र के साथ में जोड़ दिया, तो जो ये आपके पास में बनकर क्षेत्र जो बना है आपके पास में, यानी कि इसके अंदर ये चाप और दोनों त्रिज्या जो बनी है, ये क्या कहलाएंगे आपकी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये आपका, ये आपका त्रिज्याखंड यानी कि आपका सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए कि त्रिज्याखंड सभी को समझ में आ गया है कि वो त्रिज्याओं से मिलकर ही बनता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो त्रिज्याखंड होता है वो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह जो हमारे पास में त्रिज्याखंड होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, कौन सा होता है हमारे पास में, दीर्घ त्रिज्याखंड। और आप देख पा रहे हो कि इस आकृति के अंदर आपको एक वृत्त दिखाया गया है, और वृत्त के अंदर आप जानते हो कि दीर्घ चाप यानी कि जो बड़ी वाली चाप होती है वो वाली चाप है, और दो आपके पास में क्या है, त्रिज्या है, यानी कि आपने बड़ी वाली जो चाप है इसके दोनों सिरों को क्या कर दिया है, दोनों सिरों को आपने केंद्र से जोड़ दिया है। जब आपने दोनों सिरों को केंद्र से जोड़ दिया है तो जो आपके पास में क्षेत्र बन गया वो क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, और जो आपने लघु त्रिज्याखंड क्या कहलाएगा, यानी कि आपने लघु चाप को, यानी कि जो हमारे पास में लघु चाप है इसके दोनों सिरों को आपने क्या कर दिया, केंद्र के साथ में जोड़ दिया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको चाप पहचाननी आनी चाहिए कि हमारे पास में दीर्घ चाप कौन सी है और हमारे पास में लघु चाप कौन सी है। जब आप दीर्घ लघु चाप पहचान लोगे तो आप दीर्घ और लघु वृत्तखंड भी पहचान लोगे और आप दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड भी पहचान लोगे। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वो वाई टाइप करें कि हाँ इतना समझ में आ गया है, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें ताकि हम उनसे पूछ सके। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है जो इसका नाम रजत गेमिंग के नाम से, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, वो लोकेश प्लस ललित लिख कर भेज रहे हैं। बताओ जरा लोकेश और ललित, जो बच्चा है हाँ बताइए। चलिए ठीक है, सभी बच्चे सामने देखिए। देखो आपको सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर क्या करना है, वोट करना है। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। देखिए, आपसे पूछा गया है दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड निम्न है, यानी कि आपसे इसके अंदर त्रिज्याखंड के बारे में पूछा गया है। दिए गए वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले तो आप त्रिज्या पहचानना कि त्रिज्या क्या होती है और त्रिज्या के साथ में त्रिज्याखंड कौन सा है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी अपना क्वेश्चन सोल्व करके अपनी कॉपी के ऊपर अपना ऑप्शन लिख लेना, ताकि जब उनको चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो वो अपना ऑप्शन टाइप कर सके। देखिए, आपसे पूछा गया कि दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं, यानी कि आप इसके अंदर त्रिज्या ढूंढिए कौन कौन सी इसकी त्रिज्याएं है, और फिर उनके द्वारा यानी कि जो त्रिज्या है उनके द्वारा बनाया हुआ आपसे त्रिज्याखंड पूछा गया है। चलिए, अब आपके पास में 15 सेकेंड है, आप जल्दी से अपना ऑप्शन वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर।
अब आपके पास में 10 सेकंड है। हाँ अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है और आप अपना सही ऑप्शन जो भी आपको अपनी तरफ से सही लगता है वो जल्दी से सिर्फ ऑप्शन टाइप करना, ए बी सी या डी। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, कुछ मतलब लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है, लेकिन पर दो तीन बच्चों का जिनकी वजह से कुछ वजह से जिनका गलत हो गया है। तो देखिए सभी बच्चे सामने, देखिए आपसे पूछा गया दिए गए चित्र की त्रिज्याएं, यानी कि सबसे पहले तो आपको त्रिज्या पहचाननी आनी चाहिए, तभी तो आप त्रिज्या खंड के बारे में बात करोगे, यानी कि सबसे पहले तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए तभी आप त्रिज्या खंड के बारे में बात करोगे। अच्छा आप हमें बताओ डीई त्रिज्या है क्या, बताइए क्या डीई त्रिज्या है, या फिर बताइए। नहीं, डीई त्रिज्या नहीं है, डीई क्या है हमारे पास में, डीई एक हमारे पास में जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को जोड़ने से बनी हुई एक सीधी क्या है, रेखाखंड है। तो डीई हमारे पास में एक जीवा है, ये त्रिज्या नहीं है, ठीक है, ये कोण है हमारे पास में। दूसरा हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या हमारे पास में डीई, ठीक है, अरे ऑप्शन की बात छोड़ो अभी तो वो, ठीक है, ये तो हमारे पास में त्रिज्या नहीं है, यानी कि इसका तो कोई काम नहीं है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं क्या जे एफ, ये हमारे पास में जी एफ है, ये जो आप देख पा रहे हो जी एफ, क्या ये हमारे पास में त्रिज्या है, तो ये भी हमारे पास में त्रिज्या नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हमारे पास में, ये भी हमारे पास में जीवा, यानी कि ये भी हमारे पास में कोण है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि दोनों क्या नहीं है, त्रिज्या ही नहीं है, तो इनको हटा देते हैं। क्या हमारे पास में एओ त्रिज्या है, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे, क्या हमारे पास में एओ त्रिज्या है, बताइए क्या हमारे पास में एओ त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि एओ हमारे पास में त्रिज्या है। क्या हमारे पास में ओबी त्रिज्या है, बताइए क्या हमारे पास में ओबी भी त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो इस आकृति के अंदर हमें त्रिज्या दिख रही है वो त्रिज्या हमें एओ और ओबी दिख रही है, कौन सी त्रिज्या दिख रही है, एओ और ओबी। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर तो समझ में आ गया होगा कि त्रिवृत्त की त्रिज्या पहचाननी है, तो देखो त्रिज्या क्या एओ है, पर डीई त्रिज्या नहीं है। क्या डीई और जीएफ त्रिज्या है, नहीं है। क्या एओ त्रिज्या है, हाँ एओ त्रिज्या है। क्या ओबी त्रिज्या है, हाँ ओबी त्रिज्या है। बाकी एसी भी त्रिज्या नहीं है और हमारे पास में बीसी भी त्रिज्या नहीं है, यानी कि अगर आंसर की बात करें आंसर तो सिर्फ हमारा त्रिज्या ढूंढने से ही आ जाएगा कि एओ त्रिज्या है और ओबी त्रिज्या है। अब बात कर रहे थे हम त्रिज्या खंड की, यानी कि जो हमारे पास में त्रिज्या होगा उन्हीं से तो मिलकर त्रिज्या खंड बना होगा, तो हम त्रिज्या खंड का नाम भी देख लेते हैं कौन सा बना है। देखो ए से आप गए ओ पर, ओ से आप गए बी पर, बी से आप गए सी से, और सी से आप गए ए पर, तो जो त्रिज्या खंड बनकर तैयार हो गया वो क्या हो गया, ए ओ बी सी ए, ठीक है, तो ए ओ बी सी ए, यानी कि त्रिज्या खंड का नाम भी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए कि वाई टाइप कीजिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी हमें बताना, वो एन टाइप कर सकता है ताकि हम उनसे पूछे कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर हम पूछना चाहें तो हम पूछे फिर, बताइए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इसमें से, किसी का कोई डाउट हो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है हम पूछ लेते हैं, ठीक है लोकेश। इसी इसी आकृति के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, इसी आकृति के अंदर आपको बताना है, अगर हम आपसे पूछें कि इस आकृति के अंदर जो हमारे पास में डीई एक त्रिज्या, जो हमारे पास में डीई एक जीवा है, आप देखना कि जो डीई एक जीवा है इसके द्वारा जो बने हुए हमारे पास में वृत्तखंड है उनका नाम बता दो, डीई के द्वारा बनाए हुए एक दीर्घ वृत्तखंड का नाम बता दो, डीई के द्वारा
डीई के द्वारा बनाए गए एक दीर्घ वृत्तखंड का नाम बता दो। दीर्घ वृत्तखंड बताइए, डीई के द्वारा एक बना हुआ दीर्घ वृत्तखंड। चलो दीर्घ वृत्तखंड की जगह दीर्घ चाप का नाम बता दो आप जल्दी से। डी, DFGCDA ठीक है, आपने बोला डी एफ बी सी ए। सर, DEFBCGA। थोड़ा सा तो गलत हो जाएगा, आप ए पर आके रुक गए, तो ये वृत्तखंड तो पूरा नहीं होगा। देखो आप यहां से चलते हुए यहां तक तो आ गए, लेकिन पर आप डी तक तो नहीं पहुंचे। EFBCGAD। हाँ ठीक है, तो आप उसका नाम छोटा भी कर सकते हो, छोटा करने के लिए आप समझ जाना। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, हाँ हम धीरे धीरे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से, आप बताना दीर्घ चाप का नाम बताओ डीई के लिए। हम एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे, दीर्घ चाप का नाम बताओ डीई के लिए, दीर्घ चाप का नाम बताओ। अरे इतने सारे पॉइंट हैं, आप यहां से लेके यहां तक किसी का भी नाम बता सकते हो दीर्घ चाप का नाम। डी ठीक है, ई सी डी, बिल्कुल ठीक है, ई सी डी चल जाएगा दीर्घ चाप का नाम, और उसके ऊपर आपको आर्क का निशान भी लगाना पड़ेगा चाप का। ठीक है, डीएफ नहीं चलेगा। देखो डीएफ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमें पूरा का पूरा चाप का नाम बताना है और दीर्घ चाप है, तो देखो डी ई से बनने वाला, आपको बताया था चाप कैसे बनता है कि ये वृत्त है और ये एक जीवा है, मान लेते हैं पी क्यू जीवा है, तो इससे दो चाप बनेंगे, एक तो ये छोटा पी क्यू और एक ये बड़ा पी क्यू चाप बनेगा। तो जब भी हम दीर्घ लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं पी आर क्यू, ये बन गया हमारे पास में दीर्घ चाप, और पी क्यू बन गया हमारे पास में लघु चाप। ये चीज तो सीखी थी हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन, सभी के पास में बुक है ना, पहले ये बताओ आप। यस सर। हाँ तो आप ये क्वेश्चंस क्या कर लीजिए, जल्दी से होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए